जी, तो ये तो सिर्फ टीजर था, अभी पूरी जो पिक्चर है इस मेले की वो बाकी है। स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग व्लॉग में। मैं हूँ पंकज आपके साथ, और बहुत दिनों बाद एक व्लॉग आ रहा है। और जो भी नए लोग हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियोस को, ताकि अगर आपको आना है यहाँ पे, जो कि ये जो मेला है 3 जुलाई तक है, और बाकी जो सारी डिटेल्स है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। सब कुछ क्या क्या है वहाँ पे, खाने पीने के लिए क्या है, बच्चों के लिए कौन से खिलौने हैं, क्या प्राइजेज है, सब कुछ पता चलेगा। तो चलो फिर देखो। डा 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 डा। अच्छा एक बार में गिराने पे कहां से गिराना पड़ेगा। ये वाला तो सब क्या है भैया, कैसे है ये? 6 बोले सर, 9 से फॉलो करेंगे ऐसे। आप मदद करेंगे सर, 6 बोलों का, आप 5 और 3 8, ऐसे 6 बोलों का ऐड ही लाना है आपको। अच्छा, जो आएगा वो इनाम मिलेगा। हाँ, जो भी नंबर इनमें से हो जाएगा गिफ्ट इधर से मिल जाएगा। नंबर दिखे सर, बाय टाटा। ए ए अनवी बाय।
लो पकड़ो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। बाकी इस मेले पे अगर आना है तो 3 जुलाई से पहले आप आ सकते हैं, और साथ ही जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो द्वारका सेक्टर 11 है, वहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, पास में ही है। तो ये है, बाकी पार्किंग चार्जेस क्या है, एंट्री फीस क्या है, वो सब मैं बता चुका हूँ आपको अंदर, अगर आपने वीडियो में नहीं देखी है तो। पार्किंग चार्जेस कार के हैं जो 50 रुपीज़ है, और बाइक वगैरह के 20 रुपीज़ है, और एंट्री चार्जेस 20 रुपीज़ है। लेकिन जब हम लोग गए थे इस मेले में तो सिर्फ फ्री थी एंट्री, और धीरे धीरे अब मतलब लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा कुछ मेला लगा हुआ है। आफ्टर कोरोना, कोविड के बाद शायद 2 साल के बाद इस तरीके का बड़ा मेला इधर लगा है, तो काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, और बच्चों की छुट्टियां भी है स्कूल की, तो इस वजह से लेके जा रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और खुशियां फैलाते रहिए। टाटा, बाय बाय।